अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज है 3 नवंबर, दैट मीन्स अब बस एक दिन रह गया मेरे बर्थडे को। तो आई एम सो एक्साइटेड, मतलब आप लोग कैसे विश करोगे मुझे और कितने कमेंट्स आएंगे कल के वीडियो में और कितने लोग विश करेंगे तो देखते हैं। फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ, चाय मैंने पी ली। तो मुझे सबसे पहले आज जाना है श्रीनगर, थोड़ा सा काम है मुझे, पहले वो काम ख़त्म करता हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या रहेगा दिन भर का प्रोसेस। और विश करना नहीं भूलना। हेलमेट मैंने लगा दिया है तो अब बस जल्दी से निकलते हैं, वो काम ख़त्म करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे घर से ही ट्रैफिक है आज, पता नहीं आज कितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा श्रीनगर में। अब बस मैं सोच रहा था कि मैं आज ही अपने सॉन्ग की शूटिंग कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं कब करेंगे। अब मैंने उसको कॉल किया जो मुझे शूट करता है, उसने बोला बस या तो आज या कल या परसों, बस इन्हीं दिनों हो जाएगी शूटिंग भी कंप्लीट, उसके बाद हमारा सॉन्ग आ जाएगा, नया सॉन्ग। आप लोगों ने देखा कि कितना टाइम लगता है सॉन्ग को बनाने में, और अभी शूट भी है उसके बाद एडिट। तो प्लीज़ डेढ़ सारा सपोर्ट करना उसको। फिर जाम बहुत ही ज़्यादा था, मैंने पहले ही घर पे ही बोला था कि आज जाम बहुत ज़्यादा होगा। तो अब मैं पहुंच गया हूँ कॉलेज साइड बेमना, मुझे घर से लगते थे बेमना तक ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, तो आज मुझे आधे घंटे से ज़्यादा लग गया, और मुझे स्कूटी साथ ही, अगर गाड़ी होती तो लगभग 2 घंटे लगते। तो अभी मुझे जाना है लाल चौक, वहाँ पर भी मुझे थोड़ा काम है, तो वो काम ख़त्म करते हैं उसके बाद घर आते हैं। अभी हूँ मैं बराबर वुमेन्स कॉलेज नियर प्रताप पार्क के पास, तो मेरा दूसरा काम भी हो गया कम्प्लीट, तो अभी घर निकलते हैं। तो आज मैं लाल चौक में पहली बार फोटो व्लॉग कर रहा हूँ। अभी मैं हूँ प्रॉपर जहांगीर चौक में, तो ये आप देख सकते हो यहाँ से, तो ये आप देख सकते हो यहाँ से क्या व्यू आता है। वो जो राइट साइड से वाइट दिख रहा है वो इस सेकेंड, तो देखिए आप लाल चौक का व्यू। तो अभी मैं हूँ भटमालो में, बटमोल लाल चौक कमर वो डल गेट बुहर कदल रोजे कदल फतेह कदल सफ़ा कदल कनी कदल गव कदल। ए मेरे को है ना टैलेंट बोलने का, अच्छा एक्चुअली हमने एक वीडियो बनाया था कश्मीरी गॉट टैलेंट, उसमें मैंने ये टैलेंट दिखाया था, अगर किसी को याद होगा तो मैंने ये नाम बताए थे, वो कंडक्टर होता है ना उसी की तरह मैंने बोला था। एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था ऐसे, मतलब होजन नोद खाई सुम्बल शिलवत शोतपुर शातलपुर पुंजदौर मुजगोन शॉल्टिंग बटमोल लोहल चौक कमर वो डल गेट भूर कदल राजा कदल फतेह कदल सफा कदल कैन कदल गव कदल। ओ भाई साहब, मतलब कितने आते हैं, बहुत ज़्यादा है ना। चलो ये भी एक टैलेंट है। ये शरबती आँखें देख कर तो अभी हम पहुंचे कमरवारी, ये है कमरवारी। तो आज मैंने कोशिश की मोटो व्लॉग करने की, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आई मीन अभी तो परफेक्ट नहीं हो रहे लेकिन सीख जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे रुका अल वहाब लेडीज़ एंड किड्स वियर, तो अगर किसी को लेडीज़ वियर या किड्स वियर लेना होगा तो इस भाई के पास जाना, या अपना दोस्त है अपना बंदा है, ये देखे इसके पास आपको लेडीज़ और किड्स वियर है दोनों मिलेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन मिलेगी। और ये हमारे ड्राई फ्रूट भाई वाले, ये देखे यहाँ से इनके जो नंबर हो गए डिस्क्रिप्शन में हो गए, इनका एड्रेस है कमरवारी नियर पेट्रोल पम्प सेल सिटी के अपोजिट। और ये देखे माशाल्लाह भाई, ये कितने की हुई? ये हो गई 5000 की। यार भाई बाहर से मैंने उठाया, टेंशन मत लो, ज़रा मैं खुद की हालत देखूंगा। ये आप देख सकते हो हेलमेट की वजह से हमारी हालत कैसी हुई। नो पेड प्रमोशन भाई है अपना, इसके पास सच में अच्छे कपड़े होते हैं यार। मैं अपनी मम्मा के लिए भी एक गिफ्ट लेना चाहता हूँ, अभी देखेंगे अगर पसंद आया तो। एक स्वेटर लेंगे क्यों, इसी बात पर लाइक करना। तो अभी हम पहुंचे मंडी, इसको बोलते हैं मंडी, जहाँ पे वो बस स्टैंड है ना, एक्चुअली ये बस स्टैंड हुआ करता था पहले भटमालों में, तो आज है यहाँ पे मंडी में। तो ये देखिए यहाँ से गाड़ी निकल दिया। सोमो स्टैंड भी है यहाँ पे, खाली बस स्टैंड नहीं है, सोमो भी है। तो हम पहुँचे शॉल्टिंग चौक, तो ये है शॉल्टिंग चौक।
अभी यहाँ से मुझे घर तक लगते हैं 5 मिनट, 2-2.5 किलोमीटर है यहाँ से मेरा घर। तो फाइनली घर हम पहुँच गए, थैंक गॉड अच्छे से पहुँचे। तो अभी अंदर जाते हैं, खाना खाता हूँ। मैंने घर वालों को बोला मुझे खाना दो, उन्होंने बोला नहीं आप यहाँ पर खाना मत खाओ, हमें दावत की है मुजगुण में। तो मैंने बोला सच में कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। तो आज किस्मत है मेरी अच्छी, तो मैं जाता हूँ वहाँ पे खाना खाता हूँ, वापस आता हूँ। बालेरो आज मेरी किस्मत अच्छी है, मैं दावत पे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ बड़ा भाई भी जा रहा है। तो भाई मैं खाना खा कर आता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन घर हम पहुँच गए। घर पहुँचते हमारे घर 2 मेहमान आए हैं मुझे इनविटेशन करने, जो कि आगे गाड़ी है वही। तो मैं अभी इनसे आपको मिलाता हूँ, पहले मैं नीचे उतरता हूँ। तो जो मेरे घर मेहमान आए थे वो है ये आदिल भाई, और इनका नाम क्या है? खुर्शीद। एक्चुअली इनकी शादी होने वाली है, सबसे पहले मुबारक। तो ये आए हैं इन्वाइट करने। कार्ड कहाँ पे भाई? तो ये है कार्ड, अच्छे अड़स नफरस दावत सुबह बाल यारो उड़ी है बाल यारो गए उड़ी। तो भाई डेट क्या है आपको? तो ये आए दावत करने, तो इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे। मैं किस मिशन मिशन आग दो पत दबान शुरू है 14 और 15 शादी है, आप आना 18th को त्रद पत क्या मतलब तद आए लेजेंड आए ले वही आपको साफ करते हैं। तो देखते हैं भाई, ये एक्चुअली पता है कौन बंदा है? ये मुझे उस दिन मिला था जब मैं पहली बार गया था गगनगीर, वहां पे व्लॉगिंग हुई थी ना गगनगीर। तो तब मिले थे, तब से आज बहुत टाइम के बाद मिले भाई। तो जाएंगे उस तब दिन से आज कहां? फिर बॉक्सी का नहीं गए थे हम? वो तो मतलब मैं बोल रहा हूँ व्लॉग में। हाँ व्लॉग में, व्लॉग में वो तो अलग सवाल है, तब से तो हम कांटेक्ट में ही है भाई, वो अलग सवाल है, लेकिन मिले व्लॉग में तब से। तू आएगा वहाँ पे? आदिल भाई ने मेरे लिए गिफ्ट लाया बालियारो, वो पता है वो क्या है? अखरोट। ओ माय गॉड माशाल्लाह मेरे फेवरेट। तो इस बात के लिए भाई को सब्सक्राइब कर दो भाई, पेड प्रमोशन है, पेड प्रमोशन। मिस्टर आदिल, मिस्टर आदिल चैनल लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज सपोर्ट हिम। Yeah. Support him. और ये है कार्ड जो इन्होंने मुझे दिया है, जरा खोल इस पे। वो अच्छा पुरसमुद के नेमदित सॉरी कार्ड है। एच बोल प्रमोशन करा विद फैमिली माशाल्लाह। तला तला नाव कैश। ओ आदिल ये तो अच्छा खानदार, ये था बंद अच्छा महारिन ना तो लिखित ये मुझसे कारण चल भाई, इसपे फुल फैमिली लिखा हुआ है ना? लेकिन महारिन का नाम भी है ना, वो हम उसी दिन बताएंगे व्लॉग में जब वो मतलब सरप्राइज मतलब तो चका डिस्ट्रिक्ट कसम कर मत ओडा महाराजगढ़ से वो पाने मगर माशाल्लाह सीरियसली मतलब जब तेरी शादी होगी गाड़ी में चलाऊं। ठीक है भाई। आदिल भाई घर निकल रहे भाई, बैठो ना अब रात को। नहीं इंशाल्लाह। जब कश्मीर में कोई किसी को दावत करता है ना उसको ये देते है मिठाई लिफाफा। बस पूछती को मत खर्शीद, क्या मैं भूल गया था, मतलब इस बंदे ने पीछे जा पूरा ला इस बंदे को। क्यों इस बंदे को पूरा इस बंदे ने अभी हमें ये दिया? बिल्कुल पहले बिल्कुल। देते हैं नहीं। देखो भाई मैं थोड़ा रस्म रिवाज से पीछा हूँ, तो मैं सीख रहा हूँ अभी। तो पता नहीं यार मैं सीख रहा हूँ इसी मैंगो फ्लेवर आगे रास्ते तक खाएंगे। खाओ इंशाल्लाह बहुत अच्छा है, मतलब मैं खुद देखो खुद खा रहा हूँ। तो आगो टेस्ट कर असल सा। तो ये इसका दूसरा भाई और ये आदिल भाई बालियारो, तू आएगा दावत? ठीक है ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चलो भाई जीते रहो और मम्मी को भी बोलना। तो गाइज आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना। और इंशाल्लाह अब सॉन्ग की शूटिंग भी जल्दी होगी, उसके बाद सॉन्ग आ ही जाएगा। और मैंने डिसाइड किया है कि 100K पे एक और म्यूजिक करेंगे हम इंशाल्लाह, वो डिफरेंट होगा, तो देखते हैं क्या होगा। तो फिलहाल आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भाई अस्सलामु अलैकुम। पार पलंतल दिल भर में करी थमजाज वालो, पार पलंतल दूर थम में जिगरस पार वालो, पार पलंतल।
भर में करी तमा।